देखिए भैया, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स नाम है चैप्टर का, ऑप्टिक्स। ठीक है, पहले रे ऑप्टिक्स को देखिए क्या होता है, रे ऑप्टिक्स का मतलब ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स क्या होती है, फिजिक्स की एक ब्रांच होती है। ठीक है, मतलब एक बुक है समझ लो, और उस बुक के अंदर हमें लाइट से रिलेटेड सारे फिनोमिना को पढ़ना है, लाइट से रिलेटेड सारे फिनोमिना को पढ़ना है, उसी को क्या कहते हैं भैया, रे ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं उस बुक का नाम, क्या होगा, रे ऑप्टिक्स। जिस बुक में लाइट से रिलेटेड सारे फिनोमिना को पढ़ना होता है, उसी बुक को हम क्या कहते हैं भैया, रे ऑप्टिक्स। ठीक है भैया, तो इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द डिफरेंट फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट, रिलेटेड टू लाइट। ठीक है भैया, तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स फिजिक्स, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद दी, इन विच वी डील विद द डिफरेंट फिनोमिना, डिफरेंट फिनोमिना, फिनोमिना रिलेटेड टू टू रिलेटेड टू लाइट। कह रहा भैया, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर आपको अलग अलग फिनोमिना को पढ़ना है, लेकिन सारे फिनोमिना किससे रिलेटेड रहेंगे, लाइट से रिलेटेड रहेंगे। जैसे पहला फिनोमिना क्या है भैया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चौथा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और पांचवा है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये सारे फिनोमिना को पढ़ना है, ठीक है भैया, ये सारे के सारे रे ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अभी जो पढ़ने आ रहे हैं वो है अभी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो टॉपिक का नाम डाल देते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या होता है, तो भैया जब एक लाइट जो होती है, लाइट की रे जो होती है, वो स्मूथ और ओपेक, स्मूथ मतलब क्या होता है, प्लेन एकदम चिकनी, ठीक है, और ओपेक मतलब जिसके आर पार लाइट ना जा सके, ऐसी सरफेस से टकराती है, तो लाइट इसी मीडियम में क्या होती है, वापसी चली जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसे, द बाउंसिंग बैक, द बाउंसिंग बाउंसिंग ऐसी है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम, मीडियम व्हेन इट कोलाइड विद स्मूथ एंड ओपेक सरफेस, ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार आप ना देख सको। ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम एंड इट कोलाइड विद द स्मूथ एंड ओपेक सरफेस। ठीक है भैया, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहते हैं, स्मूथ एंड ओपेक सरफेस का मीनिंग होता है, स्मूथ एंड ओपेक सरफेस का मीनिंग होता है क्या होता है, मिरर। क्या होता है, अगर मैं स्मूथ एंड ओपेक सरफेस बोल दूंगा, समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मिरर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये है मिरर, यानी स्मूथ एंड ओपेक सरफेस। लाइट आई यहां पर, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और लाइट क्या हुई, इससे टकराई, और टकरा करके क्या हुई, निकल गई, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या कहलाता है भैया, नॉर्मल। ये क्या कहलाता है, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, ये मिरर है,
मिरर बोलो या स्मूथ एंड ओपेक सरफेस बोलो, ठीक है। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग सॉरी ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जैसा कि आपको पता है मीडियम चेंज नहीं होता रिफ्लेक्शन में, पता है ना, उसी मीडियम में बाउंस बैक करके वापसी भी आती है। तो जब रिफ्लेक्शन होता है तो ध्यान रखना वेवलेंथ क्या होती है, पहले सुनो, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, क्योंकि लाइट की स्पीड जब ही चेंज होती है जब उसका मीडियम चेंज हो जाता है। डेंसर मीडियम में जाएगी तो कम हो जाएगी स्पीड, रेयर मीडियम में जाएगी तो लाइट की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ तो लाइट लाइट की स्पीड भी चेंज नहीं होगी। सेकंड, वेवलेंथ, वेवलेंथ ये भी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। रिफ्लेक्शन के दौरान में आपकी वेवलेंथ भी क्या होती है, कांस्टेंट, क्योंकि वेवलेंथ डिपेंड करती है लाइट की स्पीड पे। जब लाइट की स्पीड ज्यादा होगी तो वेवलेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन अगर लाइट की स्पीड में कोई चेंज नहीं आया तो वेवलेंथ में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। और तीसरा फैक्टर जो कभी चेंज नहीं होता वो है आपका फ्रीक्वेंसी, ये हमेशा ही कांस्टेंट आता है, चाहे मीडियम चेंज हो या ना हो, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड हर मीडियम में क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है भैया। अब आते हैं भैया अगला टॉपिक है आपका इसी में, ठीक है। सबसे पढ़ते हैं मिरर के बारे में, ठीक है, सबसे पहले मिरर के बारे में लिखते हैं। मिरर क्या होता है, मिरर, मिरर क्या होता है, स्मूथ एंड एंड ओपेक सरफेस, स्मूथ एंड ओपेक सरफेस को हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं, क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं, ठीक है। अब मिरर के टाइप क्या होते हैं, मिरर टाइप ऑफ मिरर, टाइप ऑफ मिरर की अगर मैं बात करूं तो मिरर के हमारे पास दो टाइप है, एक है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, और दूसरा होता है प्लेन मिरर। नाम तो सुने, स्फेरिकल मिरर क्या होता है भैया, जो किसी स्फीयर से काटा गया होता है मिरर, जो क्या होता है, जो किसी स्फीयर से काटा जाए उस मिरर को हम क्या कहते हैं भैया, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ऐसा अगर आप स्फीयर से ऐसे काट दो और ऐसे काट दो, ये होलो स्फीयर है, कैसा स्फीयर है, ये होलो स्फीयर है, ठीक है। और आप अगर ये वाली सरफेस पॉलिश करते हो, ये सरफेस आपने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। और अगर आप ये वाली सरफेस पॉलिश कर दो, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। तो इस मिरर को हम कहते हैं भैया, ठीक है, इस वाले कहते हैं कॉनकेव मिरर, क्या कहते हैं इसके, कॉनकेव मिरर। जब हम बाहर की सरफेस को पॉलिश करते हैं, अंदर वाली कैसी होती है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये लाइट पे रिफ्लेक्ट करती है। और अगर आपकी बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, रिफ्लेक्टिंग, तो ये क्या होता है भैया, कॉन्वेक्स मिरर, क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है भैया। क्या है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, जो स्फीयर से कट किए जाते हैं ऐसे मिरर को हम स्फेरिकल कहते हैं, होलो स्फीयर है, क्या ये होलो स्फीयर, होलो स्फीयर से काटे गए मिरर को हम क्या कहते हैं भैया, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अगर ये साइड पॉलिश की जाएगी जो बाहर निकली हुई है, अगर आप इस साइड को पॉलिश करोगे तो क्या बनेगा, कॉनकेव मिरर, और अगर आप अंदर वाली साइड को पॉलिश कर दोगे तो क्या बनेगा भैया, हेलो, हाँ बोलो सुअर सर, ओपेक सरफेस को मिरर कहते हैं। मिरर दो करिए ना, मिरर दो टाइप के होते हैं, कनकेव और कॉन्वेक्स। कनकेव कब होता है, जब आपका बाहर की सरफेस, जो बाहर की तरफ निकली सरफेस है उसको पॉलिश कर दो,
और अंदर वाली सरफेस क्या भैया रिफ्लेक्टिंग हो, ठीक है, तो उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं जब अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो। अगर अंदर वाली सरफेस को आप पॉलिश कर दो और बाहर वाली सरफेस जो निकली है वो अगर रिफ्लेक्टिंग हो तो वो क्या बन जाता है भैया, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बन जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। आगे बढ़ते भैया, भैया बात करते हैं प्लेन मिरर की। ये प्लेन मिरर जो होता है ना, पार्ट ऑफ, इसको कह दो भैया पार्ट ऑफ वेरी वेरी लार्ज होलो स्फीयर। बहुत बड़े होलो स्फीयर का जो पार्ट होता है ना, बहुत बड़े होलो स्फीयर का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी होलो स्फीयर के पार्ट होते हैं, ये भी छोटे मोटे होलो स्फीयर के पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या होती है, डेफिनेट होती है। तो जहां जब आप डेफिनेट होलो डेफिनेट रेडियस वाली से, मतलब छोटी बहुत बड़ी रेडियस ना हो उसकी, उससे अगर आप मिरर को काटते हो तो वो स्पेरिकल बनते हैं। लेकिन अगर आप बहुत बड़ी रेडियस वाले स्फीयर से काटते हो, बहुत बड़ी मतलब जिसकी रेडियस क्या इनफाइनाइट हो, तो वहां से जो मिरर बनता है वो क्या बनता है, प्लेन मिरर बनता है। क्या बनता है? तो भाई प्लेन मिरर में लिखा हुआ पार्ट ऑफ वेरी वेरी लार्ज होलो स्फीयर। जैसे देखिए बहुत बड़ा स्फीयर है, मान लीजिए ऐसा, वैसा बना नहीं रहा बहुत बड़ा, और जिसकी रेडियस क्या है ऑलमोस्ट टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है। क्या है? इन्फिनिटी है। तो इससे काटा गया छोटा सा जो पार्ट होगा कैसे दिखेगा आपको, कैसे दिखेगा? प्लेन दिखेगा। कैसे दिखेगा भाई? कैसे दिख रहा है? प्लेन ही दिख रहा है आपको इसका, ये कैसे दिख रहा है? प्लेन दिख रहा है आपको ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर इसकी एक सरफेस कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लेन मिरर। क्या बन जाएगा, ठीक है। स्पेरिकल मिरर क्या होता है, जो फाइनाइट स्फीयर से काटे जाते हैं मिरर को, उनको स्पेरिकल मिरर कहते हैं। अब बाहर वाले पार्ट को पॉलिश कर दोगे, अगर अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव मिरर, और अगर आप बाहर अंदर वाले पार्ट को पॉलिश कर दोगे, बाहर वाला जो पार्ट है वो अगर रिफ्लेक्टिंग है तो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर। अगर बहुत बड़े स्फीयर से आप एक छोटा सा पार्ट काट दोगे तो वो क्या बनेगा, प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर की जो रेडियस होती है, जिस स्फीयर से काटा जाता है उसकी रेडियस ऑलमोस्ट क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट, ठीक है भैया, इसे ध्यान रखना। सम इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। सम इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये सेंटर है आपका, ठीक है भैया, ए बी ए बी, ठीक है। ये मतलब ये सेंटर है यहाँ पर, अगर बीचों बीच, वैसे जरूरी नहीं कि यहाँ पर लाइन काटे तो वहीं बनाना है आपको, ये बीचों बीच दिख रहा है इसलिए मैंने बना दिया, ठीक है। ओ अच्छा, इसको सी लिख देते हैं, सी। ये पी है, ये पी डैश है, इसको ए डैश कर दो, इसको बी डैश कर दो, ताकि दूसरा मिरर हो गया, ठीक है। तो देखिए अगर आप इस सरफेस को पॉलिश कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर, और अगर आप इस सरफेस को पॉलिश कर दोगे तो क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भैया, यहां पर जो पी पी डैश है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। पीपी डैश को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। सी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ
कर्वेचर। क्यों कहते हैं भैया? ये किसका सेंटर है? स्पेयर का सेंटर है ना, ये सी जो है स्पेयर का सेंटर है, लेकिन आपको पता है स्पेयर का ही पार्ट ये है कर्व, तो इसका भी क्या होगा सेंटर, तो इसलिए इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पीसी क्या कहेंगे? पीसी, पीसी या पीसी डैश को कहते हैं भैया रेडियस ऑफ स्पेयर या रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो स्पेयर की रेडियस है वही इस कर्व की भी रेडियस है, स्पेयर भी ले सकते हो आप। कौन सा स्पेयर है जिससे ये कर्व काटेगा? ठीक है, ए बी और ए डैश बी डैश, इसे कहते हैं लीनियर अपर्चर। क्या कहते हैं इसे? लीनियर अपर्चर, लीनियर अपर्चर। ठीक है, ये जितना कम होता है कर्व उतना ज्यादा होता है, ये जितना ज्यादा होता है। ठीक है, फोर प्लेन मिरर बता दूं, अगर मैं बोल दूं कि ये स्मॉल होगा, ये स्मॉल होगा तो कर्व क्या होगा? ज्यादा होगा। वो चीज क्या होगी? ज्यादा कर्व होगी, कर्व ज्यादा। छोटा कर दो ना इसको, ए बी को छोटा कर दो तो ये क्या होगा? ये ज्यादा बैंक, अगर मान लो ए बी इतना हो गया तो कर्व क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा नहीं? ठीक है, और अगर ये लार्ज होगा, लार्ज होगा तो कर्व कम होगा, कर्व कम होगा, प्लेन ज्यादा होगा, प्लेन ज्यादा होगा। ए बी की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा? इसको बड़ा कर दो, तब ये क्या होगा? कम कर दो, और बड़ा कर दो, बड़ा आ गया, और बड़ा कर दो तो ये और कम कर देगा, है ना? तो ए बी जितना बड़ा रहेगा कर्व उतना कम हो जाएगा। ठीक है, पी एफ, पी एफ, पी एफ और पी एफ डैश, पी डैश एफ डैश, इसे कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, आप सबको पता है। और कुछ बचा तो नहीं भैया? चलो, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मैं बोलूंगा तो समझ जाना। ठीक है, फिर आता भी है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है, साइन कन्वेंशन ये पोल है। ठीक है, कोई भी मिरर हो, मिरर से लेफ्ट की तरफ जाओ, पोल से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। पोल से राइट की तरफ जाओगे तो क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। या पोल की तरफ भी आओगे तो भी डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। पोल से उल्टा भी जाओगे तो डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर हो आप इस एक्सिस के तो डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। नीचे की तरफ हो तो आपका डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, साइन कन्वेंशन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे आप करते वही है बिल्कुल। ठीक है, फिर आता है वही सब कराऊंगा ना, इससे पहले करा दिया। स्पेरिकल हो, अच्छा हाँ। ठीक है, अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं, ठीक है, तो प्लेन मिरर को मैं थोड़ा सा ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसको। प्लेन मिरर की बात करो तो अपना जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर, तो जिस स्फीयर से काटा जाता है उस स्फीयर की रेडियस क्या होती है? इनफाइनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट। ठीक है भाई, बहुत बड़े स्फीयर से काटा जाता है ना, तो रेडियस का आधा क्या होता है? फोकल लेंथ। इनफाइनाइट अपॉन मीटर क्या होगा? इनफाइनाइट। तो प्लेन मिरर के केस में आप ये चीज ध्यान में रखें, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, और उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? इनफिनिटी होगी। और तीसरी बात, पहली बात तो ये है, दूसरी बात ये है, तीसरी बात आपको मिरर फॉर्मूला याद है? मिरर फॉर्मूला, खैर हम ड्राइव करेंगे सारी को, लेकिन अभी ऐसे लिख रहा हूं मैं, वन बाय में एफ इक्वल्स टू वन बाय में वी प्लस वन बाय में वी है इमेज डिस्टेंस, यू क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ क्या फोकल लेंथ है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फॉर प्लेन मिरर, फॉर
प्लेन मिरर, अगर मैं प्लेन मिरर की बात करता हूँ, फोकल लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? तो एनीथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट क्या होनी चाहिए? जीरो। क्या होनी चाहिए? जीरो। ये पूरी टर्म क्या होगी? जीरो। तो जीरो इक्वल्स टू में वन बाय में वी प्लस वन बाय में यू, इसको इधर ले आओ तो क्या हो, माइनस वन बाय में वी बराबर में वन बाय में यू, इसको उल्टा कर दो तो यू इक्वल्स टू में माइनस वी। इसका मतलब समझे कि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, लेकिन एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब अगर ये पोल से राइट साइड में है तो ये पोल से कहाँ होगा? लेफ्ट में। ठीक है, समझ गया। तो ये चीजें ध्यान रखना प्लेन के बारे में, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना प्लेन के बारे में, ठीक है। अब आते बात करते भैया प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम। प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम, रे डायग्राम के प्रिंसिपल आपको ध्यान रखने, ठीक है। ये है आपका कर्व, केस फर्स्ट, मैं एक के लिए बना रहा हूं, बाकी सबके लिए समझ जाना बिल्कुल सेम पैटर्न में ही फॉलो होता है। ये क्या है भैया? प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये क्या है? पैरेलल रे आ रही है। जो पैरेलल रे होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है भैया? फोकस से चली जाती है, फोकस से पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा है कि अगर कोई रे, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस है, एक रे ऐसे आई, कहां से आई? फोकस से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? वो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है भैया, मतलब पाथ रिट्रेस हो गया इसमें। तीसरा है, अगर आपकी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो अगर आपकी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है ऐसे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी क्या होगी? वो ऐसी चली जाएगी। क्यों जाएगी ऐसी बता दो, आफरीन आप बता दो, ये ऐसी क्यों चली आती है? मैं बताता हूँ, क्योंकि सेंटर से कोई भी लाइन अगर सर्कमफेरेंस की तरफ जाती है तो रेडियस कहलाती है, यानी आपकी रेडियस है ये, और रेडियस सर्कमफेरेंस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? यानी एक तरह से क्या हो गया? नॉर्मल ही हो गया। क्या हो गया? यानी लाइट नॉर्मल की ही डायरेक्शन में आ रही है, यानी नॉर्मल के साथ कितने एंगल में आ रही है? जीरो डिग्री का। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल, तो जितना अगर जीरो डिग्री का नॉर्मल के साथ आ रही है तो वाई आएगी भी किसके साथ? नॉर्मल के साथ, मोटे नॉर्मल के साथ ही आएगी। जीरो क्यों बोल रहा है? जब मैं बोल रहा हूँ जाएगी नॉर्मल के साथ तो आएगी नॉर्मल के साथ, जीरो क्या होता है इसमें? ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? रिट्रेस कर जाती है, एग्जैक्टली सेम पाथ होता है इसका। समझ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? लास्ट है इसका रे डायग्राम, यही थे ना? अच्छा एक और बना देता हूँ, बनाने को तो 10 बना दूंगा, 10वीं का टीचर थोड़ी ना, जो चार ही आते होंगे जिनके, ठीक है। देखिए ये है ये आपका, अब एक रे कहां गई? पोल पर कहां गई? ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? सेम एंगल पर वो पोल से ही निकल आएगी, एंगल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये एंगल आई, ये एंगल आर, हर जगह पर एंगल आई को उसमें एंगल आर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं। अच्छा प्रिंस, अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो यार उल्टा सीधा करा दूँगा अभी, चलो कोई बात नहीं, समझ जाओगे पहले आपने पढ़ रखा। लॉ ऑफ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है भैया? ये आपकी एक स्मूथ ओपेक सरफेस है, मतलब मिरर है आपका,
ये मिरर है आपका, ये नॉर्मल है आपका, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रहे, और ये क्या है रिया, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, इंसिडेंट रे ये रही और रिफ्लेक्टेड रे ये रही, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ये उस पॉइंट पे जहां पर ये तीनों मिल रही है। कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये खैर इसे प्रूफ करेंगे चैप्टर नंबर वेव ऑप्टिक्स में करेंगे, अभी नहीं प्रूफ करना अपने को उसको। ठीक, कह रहा है पहला लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है भैया, पहला एंगल आई इक्वल्स टू में एंगल सबको पता है, सेकेंड इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन, मतलब ये जो डायग्राम देख रहे हो ना, ये जैसा है वैसा ही है, मतलब एक्चुअल लाइफ में भी ऐसे ही रहेगा, प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होगा, मतलब 2D में डायग्राम बनेगा इसका हमेशा, चाहे आप 3D में कर लो आपको 2D में दिखेगा ये। प्लेन का मतलब क्या होता है, 2D क्या होता है, मतलब समझे कि अगर ये इस बोर्ड के ऊपर है तो ये भी इसी बोर्ड के ऊपर रहेगा, ये भी इसी बोर्ड के ऊपर रहेगा, ये बोर्ड के बाहर और ये बोर्ड के अंदर नहीं आ सकता, मतलब इधर तो नहीं आ सकते, अगर ये लाइन बोर्ड के ऊपर आ रही है तो ये भी बोर्ड के ऊपर रहेगी और ये भी बोर्ड के ऊपर रहेगी, समझ गया, तो सेम प्लेन का मतलब यही होता है। ठीक है, ठीक, रे डायग्राम समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, रे डायग्राम रे डायग्राम, पहला रे डायग्राम ऑब्जेक्ट कहां पर है, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि क्या इनफिनाइट है, तो इनफिनाइट से आने वाली रेस कैसी होती है, पैरेलल होती है, क्या होती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएंगी, फोकस से, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इनफिनाइट से आ रही है इसलिए क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे, फोकस पे। और इसमें जो अब देखिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज, पहले देखो यहां पर कैसी रे काट रही है, रियल रे या वर्चुअल रे, रियल रे, रियल रे के ऊपर तीर का निशान होता है, ध्यान रखना, ठीक है, तो रियल रे के काटने पर इमेज भी कैसी बनती है, रियल, और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड, कैसी होती है, और यहां पर एक ही पॉइंट पर, पी एफ पॉइंट पर काट रही है, तो इमेज का साइज भी क्या होगा, पॉइंट साइज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, या पहले लोकेशन लिख लो, लोकेशन या इमेज वी से लिखता हूं, ठीक है मैं इसे वी से, इसे कहते हैं इमेज डिस्टेंस, कहां पे होगा, एट एफ, इमेज कहां बनी है, एफ पर बनी, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, पॉइंट साइज जिसे डिमिनिश भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, और नेचर मैग्निफिकेशन क्या आएगा, इस केस में नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव मैग्निफिकेशन मतलब होता है रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है भैया, दूसरा आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी से परे है ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम में ये आपका सी, ये है आपका एफ, ये है आपका ऑब्जेक्ट, एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से आएगी, दो से बनाऊंगा, दो से रे डायग्राम फोकस से, एक रे पोल से आएगी, वो भी क्या होगी, यहां बना लेना अपने आप से मिला दें, ठीक है, रियल रेज इंटरसेक्ट करिए तो इमेज भी क्या होगी, रियल होगी, ये हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ उसे ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, अगर मैं बात करूं इमेज की लोकेशन क्या होगी, इन बिटवीन
सी एंड एफ होगी, है ना, और क्या होगा हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, मैग्निफिकेशन आपका क्या आने वाला है, नेगेटिव आना है, ठीक है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होगा इसका नेचर, ठीक है। तीसरा है ऑब्जेक्ट कहां पर हो, एट सी, सी पर हो अगर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये है सी, ये है एफ, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, पैरेलल रे, पैरेलल रे कहां से आएगी, फोकस से, यही बना दो अपने आप ही, वरना बहुत गलती होती है इसमें, आपको तो पता ऑलरेडी, ठीक है, ये वैसे बनाओगे, अच्छे से बनाओगे तो वही बननी है पोल से, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, तो इमेज क्या बनेगी, एट सी पर, हाइट ऑफ इमेज बराबर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस वन आता है, क्या आता है, तो रियल है एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब नेगेटिव हो गया, चौथा चौथा ये आपका मिरर हो गया, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में, सी है, ये एफ है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से आएगी, फोकस से, और एक रे यहां से, ये दोनों इनको यहां पे काट रही है, ये बन गया ऑब्जेक्ट है, नहीं क्या है कि नहीं, अब वहीं पे आना 7:30 पे, हाँ हाँ ठीक है, सुनेगी भैया, इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, सी के परे बनेगी, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन नेगेटिव आएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, एक से ज्यादा रहेगा, मतलब इमेज इन्वर्टेड रहेगी लेकिन मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा। चौथा 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 पांचवा पांचवा कहां पर है भैया, ऑब्जेक्ट एट एफ पर बना दो, ये रहा आपका फोकस, ये रहा ऑब्जेक्ट, एक रे पैरेलल, पैरेलल वाले इधर से गई, ये दोनों ना तो इधर मिलेंगे ना उधर मिलेंगे, यहां पर भी इन्फिनिटी पर नहीं मिलेंगी, यहां पर भी नहीं मिलेंगी, तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर मिलेगी, है ना, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, बहुत बड़ी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, और मैग्निफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव बट टू लार्ज, समझ गए भैया। सिक्स लास्ट ये है आपका एफ, ये है आपका ऑब्जेक्ट, इस बारी ये पैरेलल वाली कहां से आएगी, फोकस से, फोकस से गई ना, और ये वाली इधर जाएगी, तो ये यहां पर तो मिलने वाली नहीं, रिट्रेस करो, तो चुप हो जाए, सबको पता है, वर्चुअल इमेज बनी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इन बिटवीन फोकस और पोल के बीच में, फोकस एंड पोल, है ना, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है, इमेज क्या बनेगी, बिहाइंड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, और हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब
वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट ठीक है भैया। एक रिलेशन आता है, रिलेशन इन बिटवीन, रिलेशन इन बिटवीन आर एंड एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, आर इक्वल्स टू टू एफ, आपने देखा होगा, लेकिन एक बार डेरिवेशन आ गई थी इसकी, तो क्यों छोड़े इसको भी कर देते हैं। ये है आपका मिरर, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, रे डायग्राम क्या आता है कि जो रे पहला लाएगी कहाँ जाएगी, फोकस से, और अगर आप यहां से नॉर्मल खींचते हो तो वो कहां से मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, पता ना, ये एंगल आई है तो आपको पता है ये एंगल भी क्या होगा, आई हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा ये एंगल आर है, ठीक है, इसको नाम दे दो ए, ये क्या है सी एफ है ना, और ये क्या हो गया पी, ध्यान दीजिए भैया, एंगल अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल आई इक्वल्स टू में एंगल आर, ये दोनों एंगल क्या होंगे बराबर होंगे, सो सो सी एफ, सी एफ की वैल्यू किसके बराबर होगी, सी एफ बराबर में एफ ए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आपको बता दूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, आर होता है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, एफ होता है, आपको प्रूफ करना है आर इक्वल्स टू में टू एफ है ना, तो मैंने बताया एंगल आई इक्वल्स टू में एंगल आर, जब एंगल दोनों बराबर होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, आइसोसेलस ट्राइंगल होता है, एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड देखिए मैंने कहा इफ ए इज वेरी क्लोज टू बी, इफ ए इज वेरी वेरी क्लोज टू, अगर ए जो है वो पी के बहुत पास में है तो ये क्या बन गया, एक सेक्टर सर्कल बन गया, क्या बन गया, तो ये दोनों क्या होंगी रेडियस होंगी, और रेडियस आपस में क्या होती है बराबर होती है, देन आपका एफ ए बराबर में एफ पी, ये सेकेंड इक्वेशन होगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या कहता भैया कि देखिए एफ सी एफ किसके बराबर है, एफ ए के, और एफ ए किसके बराबर है, एफ पी के, तो देन सी एफ बराबर में एफ पी, और एफ पी की वैल्यू क्या है आर है, ठीक है, फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम से क्या दिख रहा है कि जो आर है वो किसके बराबर है, सी एफ और एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी, इसकी वैल्यू क्या है एफ, इसकी वैल्यू क्या है एफ, तो आर इक्वल उसमें क्या हुआ टू एफ, ठीक है भैया, तो ये भैया अच्छा चैप्टर है, मतलब ये पार्ट रिफ्लेक्शन का पार्ट है, इसे दोबारा जाकर रिवाइज कर लेना, इसके डेरिवेशन डायग्राम को अच्छे से बनाना, ठीक है भैया, इतने पढ़ा तो दूसरे बैच में टाइम भी खत्म हो गया, मिलते हैं क्लास में, टाटा बाबा तुरुक का जियो, पहले पहलू तुरुक, ठीक है, टाटा बाबा जय हिंद जय भारत।